हाय गाइस, वेलकम टू एजी कैपिटल ट्रेडिंग एकेडमी। तो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक। कल एक्सपायरी है, सो कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। तो पहले हम निफ्टी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी ने एक लेवल ब्रेक करके 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लिया है। तो हम लोग इसमें ट्रेड कभी लेंगे, जब भी 17,680 के नीचे क्लोजिंग देगा मार्केट, तभी हम लोग उसमें सेल करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो सेल की तरफ 17,600 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 17,530 का सेकंड टारगेट रहेगा। उसके बाद इनकेस मार्केट अपसाइड मूव दिए तो हम लोग इसमें बाई करेंगे 17,790 के ऊपर, जो 200 मूविंग का एवरेज भी जो EMA लाइन है वो भी है उसके ऊपर, तो उसके बाद बाई करेंगे। और टारगेट रहेगा हम लोग का 17,900 पहला टारगेट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में वो मार्केट ने देखिए, जितने भी लेवल हम लोग के थे उसको मार्केट ने फॉलो किया है टोटली। अभी मार्केट ने देखिए एक अप मूव दे के एक बुलिश फ्लैग की तरह पैटर्न बनाया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो हम लोग इसमें सिंपल एंट्री लेंगे, जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हम लोगों ने जो फ्लैग किया है वो ब्रेक होएगा तभी हम लोग एंट्री लेंगे ऊपर की साइड। इनकेस हमको सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग निफ्टी में जाएंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग बैंक निफ्टी में एंट्री लेंगे। और जो हम लोग का पहला टारगेट है 41,400 वो अचीव करेंगे। उसके बाद जो भी पीवट लेवल इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम लोग हमारा टारगेट डिसाइड करेंगे। सो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टॉक। हम लोग ने PVR को ओपन किया है 1 day टाइम फ्रेम पर, और उसने जो अपना 200 मूविंग एवरेज होता है इम्पोर्टेंट लेवल उसको उसने ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो हम लोग इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है वो इंट्राडे के लिए हम लोग निकालेंगे 15 मिनट पर। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट पे हम लोग ने देखो एक लेवल नीचे मार्क किया है, पिवट लाइन मारे इसके लिए क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट है, इसके लिए हम लोग पिवट को हम लोग का टारगेट रख के हम लोग ये एंट्री ले लेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने 15 मिनट पर इम्पोर्टेंट लेवल मार्क किए हैं, तो हम लोग इसमें सेल करेंगे 1730 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और उसमें पहला टारगेट रहेगा हम लोग का 1700 रुपये। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1670 रुपये रहेगा। और इनकेस मार्केट बुलिश हुआ तो हम लोग इसमें बाइंग जब भी कभी करेंगे, जब भी 1750 का लेवल ब्रेक करेगा तभी, और हम लोग का 1770 का पहला टारगेट रहेगा। इसमें हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे PVR, ओनली सेलिंग। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं इन्फोसिस। हम लोग देखेंगे इन्फोसिस को हम लोग ने ओपन किया है 1 day टाइम फ्रेम पर। इन्फोसिस एक इम्पोर्टेंट लेवल पर है क्योंकि IT सेक्टर टोटली नीचे डाउन आकर डबल बॉटम बनाया है IT सेक्टर ने, और उसी तरह से इन्फोसिस में भी डबल बॉटम बनाया है 1 day टाइम फ्रेम पर। सो अभी इसमें गिरने का चांस बहुत कम है क्योंकि जो भी पावरफुल स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहते हैं, वो अपना इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करके ऊपर ही आएंगे अभी। तो अभी हम लोग इसमें इंट्राडे के लिए लेवल देखेंगे, कौन से लेवल के नीचे हम लोग बाय करेंगे और कौन से लेवल के नीचे सेल करेंगे। सो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है उसमें। 15 मिनट पर हम लोग इसमें बाइंग करेंगे, 1386 के ऊपर बाइंग करेंगे, जो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 1400 रुपये रहेगा, और उसके बाद 1407 रुपये रहेगा। और इनके से नीचे गया तो हम लोग 1375 के नीचे सेलिंग करेंगे, और जो भी हम लोग का टारगेट रहेगा वो पीवट लेवल के हिसाब से हम लोग का टारगेट रखेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। सो अभी एक लास्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग कौन सा। लास्ट स्टॉक है मारुति का, हम लोग ने ओपन किया है मार्केट गिरने के बाद पूरे दिन कंसोलिडेट किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। सो अभी हम लोग में इसमें एक दोनों साइड ट्रेड मिलेगा, तो हम लोग बाई करेंगे 9,280 के ऊपर बाई करेंगे, और जो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 9,334 रुपीज़, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 9,396 रुपीज़। और उसके बाद इनकेस वो शॉर्ट करेंगे सेल करेंगे कभी, जब भी हम लोग का 9,227 रुपीज़ का जो लेवल मार्क किया है वो ब्रेक करेगा तभी हम लोग सेल करेंगे उसमें। जो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 9,200 फर्स्ट टारगेट रहेगा 27 रुपीज़ का, उसके बाद 9,160 रुपीज़ का सेकेंड टारगेट रहेगा, वो 200 मूविंग का एवरेज है 200 EMA, वो हम लोग का सेकेंड टारगेट रहेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।